हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको पसंद आए। तो मैं आपको नाप बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। ये हमारे सारे 3-3 इंच के पीस हैं। ये हमारे 2 पीस हैं, ये हमारे 8 पीस हैं, ये हमारे 6 पीस हैं। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको आपस में लगाएंगे। जैसा कि ये मेरे 8 पीस हैं, तो हम पहले इन सबको आपस में निकाल लेते हैं। ये हमारे निकल गए हैं और ये भी हो गए। ये हमारा ग्रीन कलर का पीस भी तैयार है। अब क्या करेंगे, अब वाइट को इन सारे पीसों के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पीस लगाने शुरू कर दिए हैं और ये मेरे सारे पीस आपस में लग गए हैं। ये सारे हमें डबल शेड के पीस चाहिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको लेंगे, बीच में लाइन लगाएंगे और साइड साइड में से सिलेंगे। तो मैं बीच में लाइन लगा लेती हूँ। ये हमारी लाइन लग गई है। ऐसे हम सारे पीस में लगा लेंगे और हम फिर सिलेंगे। तो हम साइड साइड में से सिलेंगे। तो मैं इन सबको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे पीस कट हो चुके हैं, सिल चुके हैं। तो अब मैं इनको कट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच में से हम इनको कट करेंगे और डबल शेड के ये टुकड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे डबल शेड के तैयार हो गए हैं। तो फिर हमें इनको 2.5 इंच नापना है, 2.5 इंच इधर से, 2.5 इंच इधर से। तो ये हमारा टुकड़े बिल्कुल 2.5-2.5 इंच तैयार हो जाएंगे। तो मैं सारे पीस कट कर लेती हूँ और 2.5-2.5 इंच नाप के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीस कट कर लिए हैं और बिल्कुल 2.5-2.5 इंच के हिसाब से मैंने इनको नाप लिया है, सेट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं इन सबको आपको डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ, फिर हम इसको सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप 2-2 पीस लेके सिलेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम ये पीस इसको इस पे रखेंगे, यहाँ सिलेंगे, इसको भी ऐसे रखेंगे, यहाँ सिलेंगे, इसको भी यहाँ से सिलेंगे और इसको यहाँ सिलेंगे। तो ये हमारे यहाँ से 4 पीस सिले जाएंगे। इसको हम पलटेंगे, यहाँ सिलेंगे, इसको भी हम यहाँ पर सिलेंगे। तो एकदम से ये हमारे पीस तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने सेट कर लिए हैं। इनको यहाँ से सिलेंगे और इसको यहाँ से सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पीस 2-2 पीस होके जुड़ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इनको ले लेंगे। अब इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको भी यहाँ से सिलेंगे और इसको भी यहाँ से सिलेंगे। तो हम ये सिल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे 4 पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस पर रखेंगे और सिलाई का ध्यान रखेंगे। सिलाई को सिलाई पर जोड़ेंगे और इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ रखेंगे, सिलाई को सिलाई से जोड़ेंगे। तो हम ये पहले पिनअप लगा लेते हैं। पिनअप करने से फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन का जो शेप है वो ख़राब नहीं होगा और हमारा अच्छे से डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने सिलाई पे पिन लगा ली है, जिससे कि हमारा ये डिज़ाइन इधर उधर ना खिसके। अब हम इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाना है। आप चाहो तो ये जो सिलाई है, एक इसको इधर पलटो, इसको इधर पलटो, ऐसे करके सिल सकते हैं, या फिर इसको बीच में से खोल के। बीच में से खोलने का फ्रेंड्स रीज़न ये है कि जब ये पीस तैयार हो जाएगा तो इसमें यहाँ से थोड़ा मोटा मोटा नहीं लगेगा। ये देखिए, मैंने पिन लगा ली है। तो हम इसको यहाँ से सिलेंगे और इसको यहाँ से सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिल गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस पर रखेंगे और यहाँ पर हम पिनअप करने के बाद यहाँ से सिल देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है।
तो आप भी मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।